पर दोस्तों आज की वीडियो में कमाल की चीज के बारे में बात करने वाला हूं जिसने मुझे गलत साबित कर दिया। अब तक मुझे क्या लगता था कि अगर आप अपने फोन पे कोई कस्टम रॉम यूज कर रहे हो तो आप अपने बूट लोडर को रीलॉक नहीं कर सकते वहां पे, लेकिन मैं फाइनली अब जाके गलत साबित हो गया हूं। उससे पहले तो ऐसा शायद नहीं हो पाता था। अब ये चीज टेक्निकली पॉसिबल है और इस वीडियो में मैं आपको यही करके दिखाने वाला हूं। वेल, रॉम कौन सी होने वाली है? रॉम होगी पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन, भी आप यूज कर सकते हो, नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हो और बूट लोडर रीलॉक कर सकते हो। आपका फोन पहले जैसा हो जाएगा, पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। वेल, ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सारी चीज आपको वहां पे बताऊंगा। अच्छा लगे लाइक करके जाना, नया हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर ऐसा और कॉन्टेंट पाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पिक्सल एक्सपीरियंस की लेटेस्ट रोम जो चल रही है वो डाउनलोड कर लेनी है। आप इसके लिए वेबसाइट पे जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मैंने फाइल का लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके बाद में आपको अपने फोन को बूट कर लेना है किसी भी रिकवरी में जो आप यूज करते हो। मैं रिकमेंड करूंगा ऑरेंज फॉक्स या फिर TWRP में से आप कोई भी यूज करना। और अभी हम आ चुके हैं अपने TWRP में। यहाँ तक आने के लिए आपको पहले अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करना होगा, उसमें कस्टम रिकवरी डालनी होगी। बाय द वे, दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है, पहली बार आप कर रहे हो तो वहां से देख करके आप कर सकते हो। अब एक बार आप अपने फोन के अंदर आ जाते हो रिकवरी मोड में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फोन का बैकअप ले लेना है, क्योंकि आपके डेटा की ऐसी की तैसी होने वाली है, बिल्कुल नहीं बचेगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, वाइप वाले सेक्शन में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ आप देख रहे होंगे फॉर्मेट डेटा। तो ये फॉर्मेट डेटा आजकल फोर्स इंक्रिप्शन कस्टम रॉम्स में आने लगा है, तो आपकी इंटरनल स्टोरेज बिल्कुल यूजेबल नहीं रहेगी और आपका फोन बूट लूप में फंस जाएगा, ऑन नहीं होगा। उससे बचने के लिए हर बार डेटा को फॉर्मेट करना होता है, तो भाई आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। और एक बार आपका डेटा फॉर्मेट हो गया, इसके बाद में आपको बैक जाना है, एंड इसके बाद में एक बार और बैक जाना है। अब जाना है आपको एडवांस वाइप में। अब यहाँ पे डेलविक आर्ट कैश कैश सिस्टम वेंडर डेटा, ये 5 पार्टीशन है जो मैंडेटरी है यहाँ पे वाइप करना। तो फॉर्मेट हम कर चुके हैं, डेटा हमारा जा चुका, अब हमें एक बार वाइप और करना होगा। तो वाइप भी हमने कर दिया है, एंड अब हमारे फोन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ना उसकी कोई रॉम बची है, कोई भी सॉफ्टवेयर बचा है, ना ही कोई इंटरनल स्टोरेज के अंदर डेटा बचा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सारी फाइल्स को अपने SD कार्ड में रखने के बाद ही सारा काम करें। और अब हमें सीधा इसमें कस्टम रोम को इंस्टॉल करना होगा, तो जिस लोकेशन पे आपने फाइल को रखा है वहां जाना है। तो मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा SD कार्ड, क्योंकि मैंने SD कार्ड में अपने रोम को रखा हुआ है। और इसके बाद में मैं जाऊंगा यहां पे रोम में, तो यहां आप देख सकते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन में यूज कर रहा हूं। बाय द वे, आप प्लस एडिशन एंड नॉर्मल एडिशन कोई भी यूज कर सकते हैं, जो आपको कंपेटेबल लगे या फिर आपके हिसाब से सुविधाजनक लगे। प्लस मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़े ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहां पे स्वाइप करेंगे एंड थोड़ी देर वेट करेंगे आपकी रिकवरी इंस्टॉल हो, तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूं। तो फाइनली हमारी रोम इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपके फोन की जो रिकवरी आपने डाली हुई थी, आप देख पा रहे हो अभी मेरा फोन TWRP में। दरअसल ये TWRP पिक्सल एक्सपीरियंस की रिकवरी के साथ में रिप्लेस हो चुकी है। तो अगर आप वापस से कंटिन्यू करना चाहते हो अपने कस्टम रिकवरी में, तो यहां जाके आपको अपनी कस्टम रिकवरी फिर से इंस्टॉल करनी होगी। तो वो फाइल भी आप अपने फोन में रख सकते हो। और अगर आप नहीं कैरी ऑन करना चाहते अपने कस्टम रिकवरी में, तो पिक्सल रिकवरी से आपका काम हो जाएगा। वैसे उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, कुछ बेसिक से फीचर्स मिलेंगे, वो आप यूज कर पाओगे। और हाँ, फाइल्स में मुझे मैजिस्क दिख गया, तो मैजिस्क का भी आपको बता दूं, अगर आप मैजिस्क यूज करना चाहते हो अपने फोन पे, तो इस सिचुएशन में आपको फ्लैश नहीं करना है, क्योंकि मे बी आपका फोन बूट लूप में फंस सकता है अगर मैजिस्क आप अभी डाल दोगे। तो पहले आप अपने फोन को ऑन कर लेना, सेटअप कर लेना, सब कुछ सेट करने के बाद में दोबारा से कस्टम रिकवरी डाल करके अपने फोन के अंदर मैजिस्क डाल सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको मैजिस्क की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा यहां से आगे बढ़ सकते हो बूट लोडर लॉक की तरफ। और अब हम रीलॉक करने वाले हैं अपने डिवाइस के बूट लोडर को, तो इसके लिए हमें वापस से आना है रिकवरी के होम पे, और यहां हम जाएंगे रिबूट पे, और रिबूट पे जाने के बाद बूट लोडर, यानी कि हमें अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में ऑन करना होगा। तो एक बार आप देख सकते हैं फास्ट बूट मोड में आ गया। अब आपको PC की जरूरत पड़ेगी, आप चाहो तो मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है। मैं इतना ज़्यादा सरदर्द नहीं करने वाला, ना आप लोगों के साथ ना अपने साथ, मैं सिंपल सा काम करने वाला हूँ PC की मदद से। और अब आपका फोन फास्ट बूट मोड में आने के बाद में लैपटॉप के साथ में कनेक्ट हो चुका है। ऑब्वियसली आपने ADB और फास्ट बूट ड्राइवर डाले हुए हैं। अब यहाँ कई लोगों को दिक्कत आ सकती है उनका बूट लोडर रीलॉक करने में वापस से। अब अगर आपको भी आए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, जो चीज़ मुझे अभी पता चली है आपके साथ में शेयर करूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद में। नहीं सुनोगे तो आ सकती है। अब आपको करना क्या है, PC में जाना है, यहाँ आपको सर्च करना है CMD और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको कर देना है। अब आपका CMD विंडो यहाँ पे खुल गया, थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से देख पाओ। यहाँ पे हमें लिखना होगा फास्ट बूट डिवाइसेस, ये इसलिए ताकि आपका डिवाइस कनेक्ट है या नहीं आपको पता चल जाए। इस तरह का सीरियल नंबर दिखता है, फास्ट बूट दिखता है, यानी कि कनेक्ट है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो इसका मतलब आपको अपने USB पोर्ट, जिसमें भी आपने अपना केबल लगाया हुआ है PC में, वो चेंज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ हमें दूसरी कमांड देनी होगी, जो कि है फास्ट बूट, और अब हमें लिखना होगा यहाँ पे फ्लैशिंग
और अब हमें लिखना होगा लॉक। अब हम करेंगे एंटर। तो आपने देखा यहाँ पे पहली कमांड सक्सेस हो गई। आप लोगों की फेल हो सकती है, ध्यान रखना, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब दूसरी कमांड हमें और देनी है जो कि होगी फास्ट बूट, और फिर से हमें लिखना है फ्लैशिंग। हूबहू कमांड है, लगभग थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे लॉक अंडरस्कोर क्रिटिकल, स्पेलिंग का ध्यान रखना। वैसे मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दोनों कमांड्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, बाई चांस भूल जाऊँ याद दिला देना, अपडेट कर दूंगा यार, भूल जाता हूँ कई बार। और फिर से आपको एंटर कर देना है। तो दोनों बार ओके आ गया है, यानी कि आपके फ़ोन का फास्ट जो बूट लोडर है वो अनलॉक होने के पूरी चीज़ें हो गई हैं। और देखो ऊपर जो मैंने आपको कमांड दिखाई है वो सारी कमांड आपको रन कर देनी है, उसके बाद में अपने डिवाइस को रीबूट कर देना है। वेल, उसमें एक कमांड है फास्ट बूट रीबूट, अगर वो आप करोगे तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा और वो आएगा फिर पिक्सल एक्सपीरियंस की इस रिकवरी में और सीधा आपके पास ये स्क्रीन खुल के आ जाएगा। अब देखो दो चीज़ें जो मैंने नोटिस करी हैं बहुत ज़्यादा सरखपाई करने के बाद, क्योंकि एक बार में ये प्रोसेस मुझसे भी नहीं हो पाया, वो क्या है कि यहाँ पे जो आपको फर्मवेयर यूज़ करना है वो 087 या उसके नीचे का कोई फर्मवेयर यूज़ करना है, बीटा एंड्रॉयड 10 वाले में मत जाना, वहाँ काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर आप कस्टम रिकवरी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिर्फ वही वाली कस्टम रिकवरी यूज़ करना, कोई और यूज़ मत करना, वरना आपका काम नहीं बनेगा। और अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है फैक्ट्री डेटा रीसेट इस पे, और इसके बाद में फॉर्मेट डेटा। अब देखो कुछ भी आप अपने फ़ोन में करते हो तो इसके बाद में आपके फ़ोन का डेटा नहीं बचेगा पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक, तो डेटा बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, पहले बैकअप ले लेना, आपका डेटा बच सकता है। और अभी आपने देखा ASUS के लोगों के बाद में सीधा गूगल का लोगो आ गया है, वो जो वार्निंग आया करती थी जिसमें हमें पता चलता था कि डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक है, वो वार्निंग आपको नहीं देखने को मिली होगी, जिसका सीधा सीधा सबूत आपको मिलता है कि आपके फोन का बूट लोडर लॉक हो चुका है। तो अब आप देख सकते हो फोन हमारा बूट हो चुका है सक्सेसफुली, बूट लोडर भी लॉक हो चुका है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई है एक एक चीज को ध्यान से सुन लेना, देख लेना, उसके बाद अपनी डिवाइस पे परफॉर्म करना। मेरा डिवाइस दो बार रेड स्टेट में भी जा चुका है ये प्रोसेस करते हुए, लेकिन फिर भी ठीक हो गया है। अगर आप लोग चाहते हो तो थोड़ी मेहनत लगेगी, आप कर सकते हो। बाकी अभी भी कोई सवाल रह जाए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर देना। यहां पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहो तो फॉलो कर सकते हो, यहां भी अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर करता रहता हूं। और VGM शॉर्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे भी शॉर्ट वीडियोस डालता हूं जो यहां आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो हां, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट का मजा लेना चाहते हो तो वो सब भी कर सकते हो। मिलते हैं आने वाले किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।